इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब एंड डेटम लाइन की। तो सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। सो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में माइनर डिफरेंस है जो कि हमेशा कन्फ्यूजिंग होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और आज के बाद आप इसको आसानी से याद रख पाओगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में ये हमारा टेलीस्कोप होता है, दिस इज टेलीस्कोप, और यहाँ इस पार्ट को हम लोग आईपीस बोलते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्लास में ये एक पार्ट होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। इसमें क्रॉस हेयर होता है, क्रॉस हेयर कुछ इस टाइप से सिंबल होता है, इसको हम लोग क्रॉस हेयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रॉस हेयर होता है। आई पीस के बाद पास एक लेंस होता है जिसका हम लोग जानते हैं एक क्या होता है, सेंटर होगा इस लेंस का। इस सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। नाउ अब हम लोग दो चीज़ों को समझेंगे, एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, दोनों में डिफरेंस। तो पहले हम लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये हमारा पूरा क्या है, एक टेलीस्कोप है। अब अगर हम यहाँ से हम आँख से अगर देखें तो हमको ये रेज जो है, आँख का जो रेज है वो कहाँ से होकर जाएगा, पहले आईपीस से होते हुए जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए क्रॉस हेयर तक जाएगा। क्रॉस हेयर, ये वाला क्रॉस हेयर क्या होगा, यहाँ होगा, तो इस क्रॉस हेयर तक पहुँचेगा। कहाँ से कहाँ तक गया, आईपीस के पास ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए ये लाइन कहाँ तक जाएगा, ऑब्जेक्ट ग्लास तक। तो अगर ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इस इमेजिनरी लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हेयर के सेंटर को तक जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, मतलब कि कोई भी इमेजिनरी लाइन अगर आईपीस से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कहाँ जाए, ऑब्जेक्ट ग्लास के क्रॉस हेयर से तक जाए, क्रॉस हेयर तक ही जाए, तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होगा। और अगर कोई पर्सन यहाँ से देखता है आईपीस में और ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, क्रॉस हेयर से होते हुए सामने लगे लेवलिंग स्टाफ तक कंटिन्यूएशन जाता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि वो इमेजिनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, क्रॉस हेयर से होते हुए लेवलिंग स्टाफ, जहाँ तक आप रीडिंग ले रहे हैं उस डिस्टेंस तक कंटिन्यूएशन, इस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से आगे कंटिन्यू करते हुए अगर लेते हैं तो उसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। और अगर केवल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की बात की जाए तो वो केवल टेलीस्कोप में ही ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हेयर तक का जो इमेजिनरी लाइन होता है उसको हम लोग एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से लैंग्वेज में आगे समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसे बोलते हैं, इट इज़ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर। तो अगर हम एक टेलीस्कोप यहाँ पे इमेजिन बना दें तो यहाँ क्रॉस हेयर और यहाँ पे कहीं पे लेंस, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल दीजिए और ये क्रॉस हेयर। तो वो रहा है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एट द डायफ्राम, ये डायफ्राम के पास से, एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास से पास होते हुए कहाँ चला जाए, कंटिन्यूएशन, अगर कंटिन्यूएशन है तो इसको हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलेंगे। वहीं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप में बात की जाए तो दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, अगेन ऑप्टिकल सेंटर से एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस, मतलब ऑब्जेक्ट ग्लास का क्रॉस हेयर से ऑप्टिकल सेंटर के आईपीस से तक जो जाता है लाइन,
इसमें देखिए कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कंटिन्यूएशन नहीं है तो एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप, और अगर कंटिन्यूएशन है तो उसको हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन को हम लोग लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्यों बोलते हैं, ये एक टेलीस्कोप हो गया, यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है, ये आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कंटिन्यूएशन लेवलिंग स्टाफ तक देखते हैं, ये इमेजिनरी लाइन जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। अब हम लोग बात करेंगे एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब के बारे में। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व ऑफ बबल ट्यूब एट द मिडिल पॉइंट। तो आप लोग देखे होंगे कुछ इस टाइप से इसका क्लास होता है, और यहाँ सेंटर पे ये जो कर्व है इसके टेंजेंशियल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट पे जो टेंजेंट कट करेगा, टेंजेंट बनेगा इस इमेजिनरी लाइन को, टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडनल कर्व, इस लॉन्गिट्यूडनल कर्व के टेंजेंट जो लाइन बनती है उसको हम लोग एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डैटम सरफेस और डैटम लाइन के बारे में। डैटम सरफेस और डैटम लाइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी वर्टिकल हाइट लेवल या एलिवेशन एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए हमें कोई एक रेफरेंस लाइन चाहिए होता है। तो वो रेफरेंस लाइन जहाँ से हम ऊपर या नीचे कोई हाइट मेजर करते हैं, तो वो रेफरेंस लाइन हमारा क्या कहलाता है, डैटम लाइन कहलाता है। सपोज आपको कोई स्टेशन ए मेजर करना है, तो अब ये स्टेशन सपोज एक ए रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, एक और रेफरेंस लाइन ये बोल सकते हैं। तो रेफरेंस लाइन स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का अगर हम ए का हाइट बोलें, तो रेफरेंस ए से अगर हम बात करें, इस रेफरेंस से बात करें, तो इसका वैल्यू कुछ हाइट कुछ और होगा, और वहीं बी से बात करें ऑब्जेक्ट ए का, तो इसका हाइट कुछ और होगा। तो हाइट से मतलब रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट ए का हाइट जो है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो लेवलिंग में रेफरेंस लाइन लेके हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन के ऊपर या रेफरेंस लाइन के नीचे किसी चीज़ को हम लोग हाइट मेजर करते हैं, इसी रेफरेंस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डैटम सरफेस या डैटम लाइन बोलते हैं। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी हमारा क्या कहला सकता है, डैटम सरफेस या डैटम लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एन इमेजिनरी लेवल लाइन और लेवल सरफेस फ्रॉम विच द वर्टिकल डिस्टेंस From which the vertical distance of different points above or below the line are measured. Suppose ground हमारा कुछ इस टाइप से है और हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रीन क्या है, रेफरेंस लाइन है, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, डैटम लाइन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर इसका हाइट, इसके नीचे इसका हाइट, इसके ऊपर यहाँ हाइट, इस तरीके से हम ऊपर या नीचे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग। तो इसी को, इस ग्रीन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन कहते हैं। इन इंडिया द डेटम इज़ अडॉप्टेड, इन इंडिया डेटम इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम द GTS। GTS एक्चुअली ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे को हम बोलते हैं, जिसका एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। यह आगे हम लोग डिफरेंट डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट बेंचमार्क के बारे में। इज़ मीन सी लेवल एट मुंबई। पहले जब पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, तो ये जो रेफरेंस लाइन था वो हम लोग मेजर करते थे कराची, हमारा कराची का मीन सी लेवल से मेजर करते थे। बट पार्टीशन के बाद जो है अब वो कहाँ यूज होता है, वो हम लोग मुंबई को मीन सी लेवल के लेते हैं। अभी मुंबई मीन सी लेवल क्या है, एक्चुअली जो हमारा अर्थ सर्फेस पे जो आप लोग देखते होंगे कहीं स्टेशन या हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपका ये जो है 102 मीटर या कुछ भी, या 500 मीटर एबव MSL, दैट इज़ MSL मीन्स मीन सी लेवल। तो इसका मतलब होता है कि जो जो सरफेस है, मतलब आपको हिल स्टेशन पे गए और वहाँ पे लिखा 500 अबव मीन सी लेवल, मीन्स कि वो जो सरफेस है मुंबई के मीन सी लेवल से वो कितनी ऊंचाई पे है, 500 मीटर ऊंचा है। तो एक्चुअली आगे हम लोग बात करेंगे बेंचमार्क में कि पूरे इंडिया में जो है वो क्या किया गया है, मेजर किया गया है मीन सी लेवल से कि कौन सा प्लेस कितने हाइट पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारा जो डेटम लाइन बोल सकते हैं वो हमारा क्या है, मुंबई का मीन सी लेवल, और वहीं से हम लोग पूरे इंडिया का क्या किए हैं, लेवल को मेजर किए हैं कौन सा सरफेस कितना ऊंचा है। हम लोग देखते हैं स्टेशन पे भी, हमारा जो है हर स्टेशन पे देखे होंगे कि वहाँ पर मार्क किया जाता है, लिखा हुआ रहता है बोर्ड पे कि ये इतने मीन सी लेवल पे है, मतलब इतना ऊंचा है मुंबई सी लेवल से। आगे हम लोग और रिड्यूस लेवल और बेंचमार्क में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। होपफुली आपको इन चारों टर्म समझ में आया होगा, डेटम लाइन, डेटम सरफेस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप एंड एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ओके, थैंक यू।